नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और बुलेटिन की शुरुआत मंडला से आई बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी विधायक की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में बाल बाल बचे हैं बीजेपी विधायक। विधायक देव सिंह सयाम, गनमैन और ड्राइवर सभी सुरक्षित हैं, लेकिन ये बड़ा और गंभीर हादसा हो सकता था। ये बड़ी खबर है मंडला से। बीजेपी विधायक देव सिंह सयाम हादसे में बाल बाल बचे हैं। उनके वाहन को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत यही है, अच्छी बात यही है कि सभी सुरक्षित हैं। न केवल विधायक देव सिंह सयाम सुरक्षित हैं, बल्कि उनके गनमैन और ड्राइवर भी सुरक्षित हैं। वाहन के एक हिस्से को बुरी तरह से क्षति पहुंची है, क्षतिग्रस्त हो गया है वाहन का ये हिस्सा। बताया जा रहा है ट्रक ने टक्कर मारी है विधायक की इस गाड़ी को। मंडला में यह हादसा पेश आया है। हादसे की वजह क्या रही ये साफ नहीं है, कैसे यह हादसा हुआ, लेकिन विधायक, उनके ड्राइवर और गनमैन सभी सुरक्षित हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। गाड़ी का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है और ट्रक ने इस वाहन को टक्कर मारी है, जिसमें विधायक देव सिंह सयाम सवार थे। मंडला में यह हादसा हुआ है। रफ्तार ज्यादा थी या फिर मोड़ इस हादसे की वजह बना। सड़क चूंकि आप देख पा रहे हैं, जहां पर यह हादसा नजर आ रहा है वहां सड़क पर एक मोड़ नजर आ रहा है। संभव है कि हादसे की यह भी एक वजह रही हो। और शिवपुरी से बड़ी खबर है, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। यात्रा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, दो तिहाई बहुमत से हम फिर सरकार बनाएंगे, ये दावा कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। तस्वीरें शिवपुरी से हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बोल रहे थे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से दो तिहाई बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। किसान भाइयों, यहाँ पर बुजुर्ग किसान भी बैठे हैं, नौजवान किसान भी बैठे हैं, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले क्या कभी किसान के खाते में एक नया पैसा भी कभी आया क्या? बताओ मुझे, आया क्या? कभी आया? अरे पिछली बार कांग्रेस ने वादा किया था, हमारे सिंधिया जी भी कांग्रेस में थे और कहा हम कर्जा माफ कर देंगे। सिंधिया जी ने बार बार कहा कि कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो। सिंधिया जी ने कहा यदि आप माफ नहीं करोगे तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मैं आंदोलन करूंगा। कमलनाथ जी ने कह कि हाँ करो, सड़क पे आ जाओ। वो खुद तो सड़क पे नहीं आए, कमलनाथ जी को सड़क पे ले आए। और सिवनी से बड़ी खबर है, राम भद्राचार्य ने जवाब दिया है। दरअसल उनके बयान पर सियासी बवाल उठा था और सियासी बयान देने पर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया है स्वामी राम भद्राचार्य ने। उन्होंने कहा कि धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी, धर्म को राजनीति से अलग ही नहीं किया जा सकता। राजनीति पत्नी और धर्म पति है, धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी। दरअसल इससे पहले जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने बयान दिया था, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ा उनका ये बयान था कि यहाँ कांग्रेस बीजेपी के बीच लड़ाई नहीं है, दो राजनीतिक चेहरों के बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की जंग है। ये धर्म को राजनीति से अलग ही नहीं किया जा सकता। राजनीति पत्नी है, धर्म पति है। धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी और राजनीति के बिना धर्म विधुर हो जाएगा। इसे मैंने बिल्कुल ठीक कहा, धर्म और अधर्म का युद्ध है और अधर्म हारेगा, धर्म जीतेगा। सखा धर्म में असर जाके जीतन कहना कतहु रिपता के। आपकी जिस तरीके से लगातार बीजेपी के पक्ष में जो बयानात सामने आ रहे हैं, उसमें ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं आप एक ब्रांड के तौर पे बीजेपी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं धर्म का समर्थक हूँ। बीजेपी मुझे प्रेम करती है, ये अलग बात है।
सागर के बीना दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी किया। इसके साथ ही 10 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी। बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ की लागत से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के बन जाने से 15,000 लोगों को सीधे तौर पर और 2,00,000 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ये प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा होगा। इसके पूरा होने से बीपीसीएल बीना की क्षमता 7.8 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 11 एमएमटीपीए हो जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देनी है। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को ऊर्जा देंगी। हमारा लक्ष्य विदेशों से आयात कम करना है। जबलपुर के भेड़ाघाट इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। सड़क दुर्घटना में पति पत्नी सहित 4 साल के मासूम की मौत हो गई। कार सवार परिवार जबलपुर से अपने गांव लौट रहा था, तभी कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक तीनों ने दम तोड़ दिया था। जबलपुर से गांव सुंदरा देही जा रहा था ये परिवार। थाना भेड़ाघाट के अंतर्गत सहजपुर नेशनल हाईवे के पास ये घटना घटी। रीवा में टीचर की पिटाई के बाद छात्र कोमा में चला गया। गंभीर रूप से चोट लगने के बाद छात्र को नागपुर में भर्ती करवाया गया। शहर के भास्कर स्कूल का ये मामला सामने आया है, जहां शिक्षक के क्लास में आने पर खड़ा नहीं होने पर छात्र को सजा दी गई थी। म्यूजिक टीचर पर छात्र के साथ बर्बरता करने का आरोप लग रहा है। परिजन की शिकायत पर टीचर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी टीचर फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में नशाखोरी का विरोध करना द्वारकापुरी के रहवासियों को महंगा पड़ गया। नशेड़ी पर रहवासियों ने हवाई फायर करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल द्वारकापुरी इलाके में जमकर नशाखोरी हो रही है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर रहवासियों ने पुलिस पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया। रहवासियों ने यहां तक कहा कि हमने आरोपियों को पकड़ा, उनसे गांजा जब्त करने के वीडियो बनाए, पुलिस को सबूत भी सौंपे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हमने पुलिस के बैरिकेड पर गांजा यहां बिकता है के पोस्टर भी लगाए, ताकि पुलिस कुछ ध्यान दे। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। इंदौर में कभी चोर तो कभी बदमाश बेखौफ हो गए। एक प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों से प्रॉपर्टी डीलर का कोई पुराना विवाद था, इसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। बाणगंगा पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। प्रॉपर्टी डीलर को कमर के नीचे गोली लगी, दूसरी जांघ में भी लगी है। फिलहाल घायल की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। बाणगंगा थाना प्रभारी ने बताया कि एमरल्ड सिटी के पास से इलाके में रहने वाले सुमेर और महेंद्र द्विवेदी से डीलर से पुराना विवाद चल रहा है। इस पर दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए हैं। तभी सबर ने ताबड़तोड़ दो फायर किए। घटना की जानकारी मिलने के बाद बाणगंगा पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित को अरविंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों की तलाश फिलहाल की जा रही है। इंदौर में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से स्टूडेंट से मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल लूट करने वाले 3 आरोपियों को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही लूट के 5 मोबाइल पुलिस ने भी जब्त किए हैं। पुलिस की जांच में इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी 6 मोबाइल लूट की वारदात को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों पर पहले भी लूट के कई मामले दर्ज हैं। इंदौर में बारिश का दौर थमने के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में जिले में 4 और लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ शहर में डेंगू संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 122 हो गई है। मिनी मुंबई में सबसे ज्यादा मरीज भंवरकुआं, गोयल नगर, इंद्रपुरी और मंगल नगर में मिले हैं। इसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मरीजों में एक बच्चा भी डेंगू संक्रमित पाया गया है। बहरहाल नगर निगम लगातार मच्छरों को मारने के लिए दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। छत्तीसगढ़
छतरपुर में यात्री बस से अचानक धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। बस में हर तरफ से धुआं निकलने लगा। बस में सवार यात्री बस छोड़कर भाग खड़े हुए। छतरपुर से गौरीहार जा रही बस यात्रियों से खचाखच भरी थी, तभी इस बस में धुआं निकलने लगा। हादसे में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये घटना महाराजपुर बस स्टैंड की है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर आवास के पास भीषण सड़क हादसा होते होते बचा। कोयले से भरा ट्रक कलेक्टर निवास पर घुसते घुसते बचा। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर को मामूली चोट आई है। दरअसल कलेक्टर निवास की दीवार के पहले पेड़ से टकरा कर ट्रक रुक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि सड़कों पर घूम रही गाय को बचाने के दौरान ट्रक बेकाबू हो गया। इसी दौरान ट्रक अधिकारियों के निवास की ओर जाने लगा, लेकिन गनीमत यह रही कि ट्रक पेड़ से टकरा कर रुक गया। कोयले से भरा यह ट्रक कोरबा से MB पावर जैतहरी जा रहा था।